वो जो इनके एक नेता थे बीजेपी के, तो वो बहुत हल्ला करते थे। आज 1100 कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के तहत समूर कला में रविवार को प्रदेश कांग्रेस के सचिव देवेंद्र भुट्टो ने महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर जन आक्रोश रैली का आयोजन करने के बहाने अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा दिया। कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर के विधानसभा क्षेत्र में महज 10 दिन के भीतर कांग्रेस की ये दूसरी बड़ी रैली थी। इस मौके पर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी गुरकीरत सिंह कोटली और प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र राणा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कांग्रेस के नेताओं ने प्रदेश भाजपा सरकार को ललकारते हुए कहा कि कांग्रेस के कार्यक्रमों में उमड़ रही भीड़ भाजपा सरकार को उखाड़ देने वाली है। प्रदेश की जनता केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की जयराम सरकार से पूरी तरह त्रस्त हो चुकी है। कोई शक्ति प्रदर्शन वाली बात नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी का प्रोग्राम है और ये नेशनल लेवल का प्रोग्राम है। इसमें सब लोग इकट्ठे हुए हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रकार लोगों का बहुत बड़ा विरोध है और आप देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। पिछले 32 साल का तंबू हम इस बार उखाड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी का विधायक यहाँ से बनाएंगे। अरे भाई, सरकार भी बदलेगी और हालात भी बदलेंगे, क्योंकि आपने देख लिया कितना जोश है लोगों में। और जिस तरीके से आज महंगाई की मार पड़ रही है, जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, आज जन जन में आक्रोश पैदा हो गया है। और आज डबल इंजन की सरकार फेल हो गई, आज लोगों से दूर हो गई, बहुत हुई महंगाई की मार, अब नहीं आएगी कभी मोदी सरकार, ये नारा आज लोगों के मन में है। तो इसलिए आज जो है कांग्रेस पार्टी के लिए लोग जिस उत्साह से, जिस चाह से, जिस आक्रोश से आज बीजेपी की सरकार के से त्रस्त है लोग, आज कांग्रेस पार्टी की सरकार तय हो चुकी है हिमाचल में, और अब हिमाचल के बाद पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी। आप देख लेना, ये सरकारों ने जो कहा वो कभी किया नहीं। तो आज लोगों को लगने लगा कि ये सरकारें, इन्होंने अकेले वादे किए और कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। करने दो। देखिए, आज के इस कार्यक्रम से साफ तौर पर संकेत मिल रहे हैं कि कुटलैहड़ में नहीं बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सफाई होने वाली है। आज हिमाचल प्रदेश में लोग महंगाई से तंग आ चुके हैं, सरकार की वायदा खिलाफी से लोगों में आक्रोश है, बेरोजगारी से आक्रोश है, और इसके अलावा अग्निपथ योजना लाकर इन्होंने नौजवानों के साथ जो धोखा किया है, और हिमाचल प्रदेश का कर्मचारी 100 में से 95% इस सरकार को बाहर फेंकना, उखाड़ के फेंकना चाहता है। और ये जो जनता हजारों की तादाद में बाहर बैठी है, पंडाल में बैठी है, ये सरकार को उखाड़ने के लिए आई है। इसलिए कुटलैहड़ में भी सफाया होने वाला है बीजेपी का, और हिमाचल प्रदेश में भी इनका पूरी तरह सफाया होने वाला है। रानी प्रतिभा सिंह जिंदाबाद। आग्रह रहेगा देवेंद्र भुट्टो जी से कि कृपया पंडाल की ओर बढ़े, बहन जी का बड़ा स्नेह और आशीर्वाद जो है वो हमारे ऊपर रहता है। कांग्रेस सेवा दल के स्वीकार करें, मन की विशेष करके देवेंद्र भुट्टो जी की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। लोग यहाँ पधारे हैं, उनका देवेंद्र भुट्टो जी की ओर से यहाँ पधारने पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। हमारे बीच में है, हमारे बिजली से हैं, आप सब लोगों का यहाँ पधारने पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत सरकार है। लेकिन आज हिमाचल प्रदेश में जो है, जो बेरोजगारी का, जो हमारे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के लड़के हैं, वो 14 लाख बेरोजगारी जो है खत्म कर सकती है, क्योंकि
हमारे जो शीर्ष नेता हैं उन्होंने एक निर्णय लिया है कि यदि हमारी सरकार, ये जो देश है ये कांग्रेस पार्टी ने बनाया है, इस देश को जो सींचा है तो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ने अपने कर्म कर्म से लंबी सोच से सोचा है। ये कोई किसी के महंगाई के, हमारे जो यहाँ पर विश्व कांग्रेस के कार्यकर्ता बैठे हैं, लीडरान बैठे हैं, वो आपको बताएंगे, ठीक है। तो मैं ज्यादा ना बोलता हुआ इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय हिंद माता। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए ऊना से मुनिंद्र अरोड़ा की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, डॉक्टर परमार के सपनों की सरकार बनाएंगे, सदस्यों के सपनों की सरकार बनाएंगे। हिमाचल प्रदेश में एक तूफान खड़ा कर देंगे। उम्मीद का सूरज है तू, ये अंधेरा मिटा दे तू, जल उठे चिराग और भर के तुम देखा दे तू। उम्मीद का सूरज है तू, ये तमस मिटा दे तू, जल उठे चिराग और भर के तुम दिखा दे तू। कस कमर को जोर से अब तुझे निकलना है।